हेलो एवरीवन इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन कि एक अच्छा इंट्रो किसे कहते हैं एंड हाउ यू कैन राइट मोर इफेक्टिव इंट्रोस एंड देन इन सेकेंड डिस्कस अबाउट कंक्लूजन कि हाउ यू कैन इफेक्टिवली कंक्लूड योर आंसर्स व्हाट आर द गुड वेज टू कंक्लूड योर आंसर्स सो दैट यू कैन गेट मोर मार्क्स तो मेरे पास ये क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को मैं एज एन एग्जाम्पल यूज करूंगा

तो अब इसमें अच्छे इंट्रो कैसे लिखे जा सकते हैं ये डिस्कस करने से पहले मैं एक बार आपको बताना चाहता हूँ कि इंट्रोडक्शन नेसेसरी क्यों होता है इंट्रोडक्शन इसीलिए नेसेसरी होता है क्योंकि इंट्रोडक्शन जो है वो लिंक करता है आपके क्वेश्चन को आपकी आंसर की मेन बॉडी से फर्स्ट थिंग तो ये हो गया सेकेंड थिंग क्या होता है कि इंट्रोडक्शन इज द थिंग जो एग्जामिनर सबसे पहले आपकी आंसर शीट में पढ़ेगा और अगर उसे इंट्रोडक्शन नहीं पसंद आया तो वो आगे की बॉडी नहीं पढ़ेगा इसका एग्जाम्पल हम ऐसे देख सकते हैं जैसे हम कोई बुक खरीदने जाते हैं अगर उस बुक का कवर हमें पसंद नहीं आता है तो वी बाय दैट बुक सिमिलर इज द केस केस विद विद इंट्रो अगर एग्जामिनर को आपका इंट्रो पसंद नहीं आता है तो आपने बॉडी कितनी भी अच्छी लिखी हो ही और शी विल नॉट इज नॉट गोइंग टू रीड इट सो आई होप दिस इज क्लियर सो लेट अस डिस्कस अब इंट्रो कैसे लिखे जा सकते हैं पहला इंट्रो जो हो सकता है वो है डेफिनेशन बेस्ड तो इस क्वेश्चन के इंट्रो में मैं डिफाइन कर सकता हूँ व्हाट डू आई मीन बाय क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स तो मैं लिखूंगा क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स मींस क्रिमिनल्स एंटरिंग इनटू पॉलिटिकल अरीना, कंटेस्टिंग इलेक्शंस एंड फर्दर यूजिंग पॉलिटिकल पावर टू ग्रो अ बिगर एंटिटी ये डेफिनेशन बेस्ड हो गया अब एक हो सकता है करंट अफेयर्स बेस्ड या अभी न्यूज़ में कुछ इससे रिलेटेड था क्या तो एक करंट अफेयर्स बेस्ड हो सकता है कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट हैज आस्क्ड इलेक्शन कमीशन टू ड्राप अप अ प्लान टू डीक्रिमिनलाइज पॉलिटिक्स अब एक हो सकता है स्टैटिस्टिक्स बेस्ड कि आपके पास कोई स्टैटिस्टिक्स है या क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स से रिलेटेड तो एक स्टैटिस्टिक जो मुझे याद आ रहा है वो ये है

We have RPA Act 1951 and it has provisions such as section 8, 10, 11, etc. But still, criminalization of politics is growing day by day, with 34% MPs in 16th Lok Sabha having criminal records to 43% MPs having criminal record in 17th Lok Sabha. ये तो होगा प्रोविजन बेस्ड अब एक और तरीका जो आप लिख सकते हो वो है कि अगर आपने कोई एआरसी की समरी या कोई और रिपोर्ट पढ़ी होगी तो उसमें अगर आपको कुछ अच्छा मिल गया होगा तो उसे भी आप इंट्रो में मेंशन कर सकते हो जैसे सेकेंड एआरसी में एक अच्छी लाइन लिखी है इट से अपॉर्चुनिटी टू कन्वर्ट पुलिस मैन फ्रॉम पोटेंशियल एडवर्सरीज टू एलाइज इेजिस्टेबल मैग्नेट ड्रॉइंग क्रिमिनल टूवर्ड्स पॉलिटिक्स आर सम वे इन विच यू कैन राइट अ गुड इंट्रो दो दिस लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव एज सच बट आई ट्राइड टू गिव एज मच एग्जाम्पल एज पॉसिबल तो अब देखते हैं कि इंट्रो कैसे कैसे हो सकते हैं तो फर्स्ट जो कि मैं डिस्कस कर रहा था डेफिनेशन बेस्ड

आइदर माइनर और हीनियस ये स्टैटिस्टिक्स बेस्ड हो गया फिर मैंने एक प्रोविजन बेस्ड बनाया है कि मैंने कॉन्स्टिट्यूशन या आरपीए एक्ट का एक प्रोविजन मेंशन किया कि इवन दो आरपीए एक्ट 1951 हैज वेरियस प्रोविजन सच एज सेक्शन 8 10 11 ए बट स्टिल द नंबर ऑफ लेजिस्लेटर्स विद क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैज इंक्रीज 34% इन 16th लोकसभा टू 43% इन 17th लोकसभा देन वी हैव दिस दिस आई हैव टेकन फ्रॉम एआरसी

You, you बैड इंट्रोज क्या होते हैं क्योंकि हमें बैड इंट्रोज भी पता होने चाहिए कि वो कैसे दिखते हैं सो हियर इट इज वी हैव दिस बैड इंट्रोज पहला है कि इंडिया इज फेसिंग वेरियस चैलेंजेस ड्यू टू क्रिमिलाईजेशन ऑफ पॉलिटिक्स ये बैड क्यों क्योंकि ये बहुत ज्यादा वेग है देन वी हैव दिस

हाउ टू राइट गुड कंक्लूजन अब देखिए कंक्लूजन अच्छा कंक्लूजन उसे कहते हैं जिसके तीन पार्ट होने चाहिए पहला कि इट बी सेकेंड इट शुड बी लिंक्ड कि आपने जितना भी ऊपर लिखा है इंट्रोडक्शन बॉडी वो सब उन सबसे आपका कंक्लूजन लिंक होना चाहिए एंड थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि एग्जामिनर को पढ़ के फील गुड आए आपका कंक्लूजन क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग अच्छा बॉडी लिखते हैं अच्छा इंट्रो लिखते हैं पर कंक्लूजन खराब रहता है तो एग्जामिनर क्योंकि सबसे लास्ट में कंक्लूजन ही रीड करने वाला है और अगर उसे ये पसंद नहीं आए तो वो आपके मार्क्स जो है वो गिरा देगा एक अच्छा कंक्लूजन आपके मार्क्स बढ़ा सकता है और एक खराब कंक्लूजन आपके मार्क्स गिरा सकता है क्योंकि बोलते हैं ना कि जो आखिरी में होता है उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है तो प्लीज प्लीज टेक केयर ऑफ दीज थ्री थिंग्स

अब थोड़ा एडवांस लेवल पे आते हैं हम वो ये वाला है डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स विल लीड टू हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स लाइक अकाउंटेबिलिटी एंड प्रोबिटी इन पॉलिटिक्स एनहांसिंग पब्लिक कॉन्फिडेंस इन गवर्नेंस मेकिंग डेमोक्रेसी मोर सस्टेनेबल यहां पे मैंने क्या किया लिंक किया है अपने कंक्लूजन को विद वेरियस वैल्यूज जैसे कि मैंने यहां पे अकाउंटेबिलिटी डाला है प्रोबिटी डाला है पब्लिक कॉन्फिडेंस इन गवर्नेंस मोर सस्टेनेबल डेमोक्रेसी तो ये थोड़ा एडवांस लेवल का कंक्लूजन हो गया उसके बाद आप क्या डाल सकते हो सुप्रीम कोर्ट के कोई जजमेंट है क्या या हाई कोर्ट के तो एक तो ये तरीका हो सकता है कि दस स्टेप लाइकम स्टेप इन राइट डायरेक्शन एनेबलिंग इंडिया टू रिमूव द मैनेस ऑफ क्रिमिलाईजेशन इन पॉलिटिक्स इन नियर फ्यूचर तो इसमें मैंने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी डाला और एक फ्यूचरिस्टिक लुक भी दिया इस कंक्लूजन में एंड एट लास्ट अगर गवर्नमेंट ने कोई स्टेप्स लिए तो आप वो भी डाल सकते हो

और इसमें कोई फ्यूचरिस्टिक आउटलुक नहीं है फिर एक आते हैं हम ये कहता है दस कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज शुड बी रिमूव फ्रॉम इंडिया टू एंश्योर इज नो मालाफाइड इन इलेक्शन एंड फंडिंग मैकेनिज्म ये क्या हो गया बहुत एक्सट्रीम कंक्लूजन है पॉलिटिकल को ही रिमूव फ्रॉम इंडिया ऐसा भी नहीं लिखना है बहुत एक्सट्रीम नहीं लिखना है